वेलकम टू योर चैनल एसएमएस सेम आर्किस्ट टॉकर। सो गाइस इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है, एंड ऑफ कोर्स गाइस सेमीकंडक्टर को लेके एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्या अनाउंसमेंट है एंड ऑफ कोर्स जो कि मोस्ट चिप पे उसका क्या असर पड़ सकता है और कहाँ तक जो है ये शेयर जा सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, क्या ये लेवल बेहतरीन लेवल होगा या फिर सबसे गंदा लेवल होगा, पूरा डिस्कशन इस वीडियो को तो करेंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो आज एक लेटेस्ट अपडेट की न्यूज मिस कर जाएंगे। तो मोस्ट चिप के आज की बात करें 242 रुपए 20 पैसे इसका आज का ये लो की बात करें, 232 रुपए 10 पैसे इसका आज का लो। अगर भाव निकाय की बात करें 326 रुपए 80 पैसे इसका भाव निकाय ये लो की बात करें, 77 रुपए इसका 52 वीक लो है। मैक्सिमम की बात करें तो जो इसका 52 वीक हाई है वही इसका मैक्सिमम है और अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो काफी बेहतरीन वाली सिचुएशन लग रही है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो मोस्ट चिप सिर्फ और सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है। आज के वॉल्यूम की बात करें तो करीब 14.25 लाख के आसपास की इक्विटी जो है ट्रेड हुई है। एंड स्पॉट एनालिसिस की बात करें 5 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेस है, 4 अपॉर्चुनिटीज है, 4 थ्रेट है, फेस वैल्यू जो है 2 रुपए है। इसके अलावा अगर बात करें इसके सेंटिमेंट की, कम्युनिटी सेंटिमेंट 100% इसमें बाइंग का है। एंड अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो रेवेन्यू जो है करीब 80 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहां पर डिक्लाइन हुआ है जून क्वार्टर में करीब 9 करोड़ के आसपास, बट एक अच्छा खासा रेवेन्यू शो किया है। एंड ईयर ऑन ईयर बात करें तो गाइज एक बेहतरीन जंप देखने को मिला करीब करीब 1.5 गुना के आसपास। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 3 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है जून क्वार्टर में, एंड ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर जो कि इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर यहां से यहां पर कंपैरिजन करें तो गाइस इक्विवेलेंट जो कि प्रॉफिट अर्न किया है। ईपीएस की सिचुएशन भी करीब नेट प्रॉफिट वाली है। शेयर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है जून क्वार्टर में। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, डीआईए की बात करें तो होल्डिंग 0 है। एंड अगर बात करें पब्लिक की, पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हुई है जून क्वार्टर में। आदर्श की बात करें, आदर्श की होल्डिंग यहां पर डिक्रीज हुई है हल्की सी 0.01% के साथ। इसके अलावा जो एफआईआई की होल्डिंग 0.06% के साथ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें मोस्ट चिप के अलावा इसकी पेस्ट कंपनियों की, टाटा एलेक्सी, न्यूजन सॉफ्टवेयर, टानला प्लेटफॉर्म्स, सी इन्फो सिस्टम्स इसकी जो कि पेस्ट कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। एंड अगर बात करें इसकी अभी टोटल इक्विटी की तो टोटल इक्विटी जो है करीब 18-19 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। एंड 9 करोड़ के आसपास जो है प्रमोटर ग्रुप के पास है, 10 करोड़ के आसपास जो है वो है पब्लिक के पास। एंड ऑफ कोर्स शेयर हेल्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट एंड नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक के पास भी करीब करीब जो है 2-2 लाख के आसपास की इक्विटी मौजूद है। एंड कंपनी जो है ईशॉप करना स्टार्ट कर चुकी है, यानी कि 13 अगस्त को जो कंपनी ने ईशॉप किया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एंड उस अलॉटमेंट किया है 5,32,162 इक्विटी शेयर्स जो कि एम्प्लॉयज को। एंड ऑफ कोर्स ये एक अच्छी अनाउंसमेंट है, इट मींस कि कंपनी कुछ बड़ा कर रही है अपने इवन इंडस्ट्रीज में। एंड अब ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की बात करें जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो उस पे चलते हैं डायरेक्टली। तो गाइज यहां पर कंपनी जो है ग्रोथ पे इसलिए देख सकती है, इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट लैंडस्केप एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड की प्लेयर। तो गाइज उसमें जो है ऑफ कोर्स जो की प्लेयर्स की बात करें तो उसमें मोस्ट चिप को भी काउंट कर सकते हैं। मोस्ट चिप भी एक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्लेयर हो सकता है, एक बेहतरीन यहाँ पर जो कि सिचुएशन जो कि क्रिएट कर सकता है मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स पीएलआई स्कीम जो कि प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम की बात करें तो उसका बेनिफिट जो है मोस्ट चिप को भी मिल सकता है, क्योंकि पीएलआई स्कीम में जो है अपने कंट्री को मेक इन इंडिया बनाने के लिए जो है एक इंसेंटिव स्कीम दी जाती है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एंड ऑफ कोर्स उसमें जो है कुछ चुनिंदा कंपनियां होती हैं उनमें, एंड ऑफ कोर्स वहां पर जो है एक तरह का इंसेंटिव दिया जाता है अगर टारगेट और वो सारी चीजें अचीव हो जाए तो। गाइस ये एक बेहतरीन जो अचीवमेंट जो है ये मोस्ट चिप को भी मिल सकती है। इसके अलावा ये ब्रेकिंग अनाउंसमेंट, इंडिया अनवेल्स $15 बिलियन प्लान टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस यहां पर जो कि $15 बिलियन
जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो गाइज यहाँ पर जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसके बाद जो है सेमीकंडक्टर्स कंपनीज जो हैं वो काफी अच्छी खासी सिचुएशन के साथ ऊपर गई थी। एंड जिसमें से ऑफ कोर्स अगर काउंटिंग की बात करें तो मोस्ट चिप भी आता है। इंडिया रेडीज USD 15 बिलियन पुश इन फेज टू ऑफ इंसेंटिव पॉलिसी फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। तो गाइज यहाँ पर देखना बाकी ये है कि जो PLI स्कीम है इसमें क्या एलिजिबिलिटी जो है मोस्ट चिप को भी मिलने वाली है। ये काफी दिलचस्प और बेहतरीन होगा। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।